कांदुल गांव में हाई स्कूल हाई सेकेंडरी में कोई शौचालय नहीं है। 251 बालक बालिकाएं शौच के लिए परेशान रहते हैं और साथ में 19 शिक्षक हैं जिनको बाहर शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हमारे स्कूल में शौचालय नहीं है जिससे हमें बाहर जाना पड़ता है और वहाँ हम लोग प्राइमरी स्कूल में जाते हैं जहाँ छुट्टी के बाद वहाँ स्कूल बंद हो जाता है, ताला लग जाते हैं और हम लोग का पीरियड भी आता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। हम लोग बहुत दूर जाते हैं स्कूल से बाहर, ग्राउंड से बाहर, और पानी पीने के लिए भी बहुत हमें समस्या होती है। मैं यहाँ 4 साल से शिक्षक कार्य कर रही हूँ। मेरी जानकारी में यहाँ पर सबसे पहले शौचालय की स्थिति तो बहुत ख़राब है। यहाँ पर टीचर्स के लिए स्कूल के परिसर के अंदर एक शौचालय है जिसमें 2 शीट है, जिसमें हमने देखा कि एक शीट को पीछे से छुट्टियों में घुसकर दीवार से शीट ऊपर की को पत्थरों से तोड़ा गया है। एक ठीक है लेकिन पानी यहाँ पर व्यवस्था ना होने के कारण उसका इस्तेमाल नहीं होता। और पानी के लिए व्यवस्था के लिए पीने के लिए बच्चों के लिए साइंस विंग के ऊपर एक टंकी लगवाई गई थी और कनेक्शन लिया गया था गांव से पानी का जो 2 समय आता था, तो गर्मियों में पिछले साल के और पहले साल उसे फोड़ दिया गया, टंकी को फोड़ दिया गया और उसमें से जो पाइप लगा था वो निकाल करके ले गए। हमने ऐसी समस्या कलेक्टर साहब, सीओ मैडम और धाक मैडम से बताई। तो क्या बोलते हैं वो लोग? बोले कि हम लोग बहुत जल्द व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। हम लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर और स्वच्छता के ऊपर इतना कार्य कर रहे हैं कि हमको शौचालय का निर्माण घरों घर में किया जाए, स्वच्छता अपनाया जाए, ये नारा जब हम लगा रहे हैं तो ये अति आवश्यक है कि हमारा स्कूल में भी शौचालय होना चाहिए। कांदुल के हाई सेकेंडरी स्कूल में शौचालय की निर्माण हो, ये वीडियो देखने वाले लोगों से मैं अपील करती हूँ। बालोद जिला कलेक्टर का नंबर है 7869759509। इस नंबर पर कॉल करें और दबाव बनाएं। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़ इंडिया अनहट के लिए।